Amazon और Flipkart Exchange Phone का क्या करते हैं और आखिर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को अपना ही पसीना क्यों पीना पड़ता है, साथ ही साथ आज अब अपने कॉम को माइक्रोस्कोप से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि 17 फरवरी साल 1981 में जर्मनी में एक ऐसी मोटरसाइकिल को भी बनाकर तैयार किया गया था जो कि कुछ इस तरीके से बेहद ही छोटी थी, लेकिन आप भी इसके साइज पर जाकर इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बाइक छोटी होने के साथ साथ कुछ इस तरीके से एक फुल साइज हैवी कार तक को खींच सकती थी। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस बाइक के इंजन को दुनिया के सबसे ज्यादा छोटे और पावरफुल इंजन में से भी एक इंजन माना जाता है, जो कि अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद गोल्डन ईगल को इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन आखिर एक ईगल से इंसानों को क्या खतरा है? असल में दोस्तों इस ईगल की फ्लाइंग और होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये भारी से भारी फॉक्स को भी पकड़कर कुछ इस तरीके से बेहद ही आसानी से उड़ा सकता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये ईगल इंसानी बच्चों के लिए किसी डेविल से कम नहीं है। सच में विचित्र। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि मेक्सिको में एक ऐसा यूनिक फॉरेस्ट भी मौजूद है जिसमें कुछ इस तरीके से लाखों की संख्या में बटरफ्लाइज रहती हैं। असल में दोस्तों ये बटरफ्लाइज कोल्ड वेदर में खुद को बचाने के लिए यूएस और कनाडा से निकलकर मेक्सिको के इस जंगल में स्टे करती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस टाइम पीरियड के दौरान इस फॉरेस्ट में किसी भी इंसान का जाना पूरे ही तरीके से इलीगल माना जाता है, और इसीलिए इस खूबसूरत नजारे को दुनिया के बेहद ही सिलेक्टेड लोगों ने कभी भी देखा होता है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि अक्सर अरेबिक कंट्रीज की फ्लाइट के अंदर का नजारा हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों अरब के शेखों को अपने पक्षियों से काफी ज्यादा प्यार होता है, जिसके चलते हुए जब भी उन्हें किसी दूसरी कंट्री या फिर शहर में काफी लंबे समय के लिए जाना होता है तो वो अक्सर कुछ इस तरीके से पूरी फ्लाइट को ही सिर्फ पक्षियों के लिए ही बुक करा देते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये अद्भुत नजारा हमें सिर्फ और सिर्फ अरेबिक कंट्रीज की फ्लाइट्स में ही देखने को मिलता है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 19। हम सभी जानते हैं कि हमारा इतिहास हमारे प्रेजेंट से काफी ज्यादा एडवांस था, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल यूके की मिनी स्टेशन रेल हैं। असल में दोस्तों साल 1960 में यूके के ऑलमोस्ट सभी रेलवे स्टेशन पर सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुलीस का नहीं बल्कि कुछ इस तरीके की सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमेटेड मिनी रेल्स का इस्तेमाल किया जाता था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा स्पेस को कंज्यूम किया करती थी तो आगे चलकर इसको पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वैसे अगर आप ये चाहते हैं कि ये वीडियो भी ठंडे बस्ते में ना चली जाए तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को खुद का ही यूरिन और पसीना पीना पड़ता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों ISS में पर 500 ml पानी ले जाने का खर्च 6.5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक होता है, और इसलिए ISS में हर बार फ्रेश वाटर पहुंचाना काफी ज्यादा यूजलेस होता है, जिसके चलते हुए एस्ट्रोनॉट्स को अपने ही यूरिन और पसीने को बार बार रिसाइकिल करके उसको ड्रिंकिंग वाटर बनाकर पीना पड़ता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो चींटी दिख रही है उसे पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक चींटी माना जाता है, ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि ये कोई चींटी है ही नहीं। असल में दोस्तों ये है मायर मेरेकनी स्पाइडर, जिसे इंसेक्ट और एंट्स इतने ज्यादा पसंद होते हैं कि उनका शिकार करने के लिए अपनी बॉडी को ही कुछ इस तरीके से एक हूबहू एंट्स की शेप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, और इसीलिए इस स्पाइडर को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों आपने बहुत से टेस्ट मैचेस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको बताया कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला टेस्ट मैच कौन सा था, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आपने उस टेस्ट मैच को देखा है? दोस्तों अभी स्क्रीन पर आपको जो टेस्ट मैच दिख रहा है उसे साल 1939 में डरबन में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच 12 दिनों तक लगातार खेला गया था, जिसके बाद इस टेस्ट मैच को सिर्फ इसलिए ड्रॉ करना पड़ा क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अपने घर वापस जाना था, और इसीलिए इस टेस्ट मैच को काफी ज्यादा अमेजिंग और रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि एम्स्टर्डम में मौजूद माइक्रोपिया म्यूजियम इस पूरी दुनिया का सबसे पहला और एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जिसके अंदर अभी तक डिस्कवर किए गए सभी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और फंगस को कुछ इस तरीके से सुरक्षित रखा गया है, जो कि अपने आप में लाजवाब तो जरूर है, लेकिन एक बात सोचने वाली जरूर है कि अगर बाई चांस ये सभी बैक्टीरिया या फंगस एक साथ वहां पर रिलीज हो गए तो ये किस कदर एम्स्टर्डम में तबाही मचा देंगे। फैक्ट नंबर 14। हम सभी अपनी हेयर स्टाइल को परफेक्ट बनाने के लिए कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने कॉम्ब को बेहद ही जूम्ड और डिटेल्ड वे में देखा है? नहीं तो चलिए आज देख लीजिए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक कॉम्ब की जूम्ड और डिटेल्ड वीडियो क्लिप को दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं कि सिर्फ 5 से 6 बारी इस्तेमाल करने के बाद हमारे कॉम्ब में गंदगी और बैक्टीरिया कितने बड़े स्केल में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे नेकेड आई से देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैसे अगर आप चीजों को पॉसिबल होता हुआ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस बेल आइकन को प्रेस
कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बने QR कोड को स्कैन करने के बाद आप बेहद ही आसानी से उस प्रोडक्ट की डिटेल को जान सकते हैं। लेकिन क्या आपको बताया कि साल 2012 में UK की एक कंपनी इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गई थी, जहां पर दोस्तों वो कुछ इस तरीके से लोगों के कब्र के ऊपर ही QR कोड को बनाया करते थे, और जैसे इन कोड्स को स्कैन किया जाता था आप उस इंसान की डिटेल्ड बायोग्राफी, फोटोग्राफ्स और यहां तक की वीडियो क्लिप्स को भी कुछ इस तरीके से देख सकते थे। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा फेमस हुआ कि प्रेजेंट डेट में इसको USA, नीदरलैंड्स और यहां तक कि रशिया ने भी एडॉप्ट कर लिया है, जो कि अपने आप में क्रिएटिव जरूर है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जहां पर हर एक बच्चा, पक्षी और यहां तक कि एनिमल भी जन्म लेने के महज 2 साल के अंदर ही अंधा हो जाता है। असल में दोस्तों इस विलेज का नाम टिल्टेपैक है, जो कि मेक्सिको में मौजूद है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स इस विलेज के अंदर एक ऐसी पॉइजनस फ्लाई भी मौजूद है, जो कि जैसे ही किसी भी लिविंग क्रिएचर को बाइट करती है उसका पॉइजन विक्टिम को अंधा बना देता है, जो कि वास्तव में काफी ज्यादा खतरनाक है।